हरियाणा की यादमपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार जय प्रकाश को करीब 15,000 वोटों के अंतर से हराया। भव्य कुलदीप बिश्नोई के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते हैं। ये सीट भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद ही खाली हुई थी। कुलदीप कांग्रेस से विधायक थे, बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं इस जीत का कुलदीप बिश्नोई ने पीएम मोदी को श्रेय दिया है। देखिए, मैं ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है, ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। मैं आदमपुर हलके की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। मैं बधाई देना चाहता हूं आदमपुर हलके की जनता को कि जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाप बेटे 20 दिन यहां पड़े रहे और ये भूपेंद्र हुड्डा अपने भाषण में बोलते थे ये चुनाव जेपी का नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई का है। तो भूपेंद्र हुड्डा को धूल चटाने के लिए आदमपुर हलके की जनता को बधाई। एक और बधाई मैं देना चाहता हूँ आदमपुर जनता को कि जो हरियाणा का पप्पू जिसे दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं उसकी जो इन्होंने जो राड निकाली, मरोड़ निकाल दी, उसके लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। तो 31,000 की विक्ट्री होगी, 15,000 वोट, 16,000 ये। दूसरी ओर कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हिसार से 3 बार के सांसद और 2 बार के विधायक जयप्रकाश को मैदान में उतारा था। वहीं इनेलो ने कांग्रेस के बागी कुर्दा राम नंबरदार को टिकट दिया था, जबकि आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था जो भाजपा से अलग हो गए थे। गौरतलब है कि आदमपुर विधानसभा को भजन लाल परिवार का गढ़ माना जाता है और उपचुनाव के नतीजों ने तय कर दिया है कि भजन लाल परिवार अपने 5 दशक से ज्यादा के गढ़ पर कब्जा कायम रखने में आज भी सक्षम है।